Hi students, very good evening to all. So today we are going to discuss magnetic effect of electric current. अब students, ये magnetic effect of electric current क्या है? देखो, इस statement से simple terms में ये समझ आ रहा है कि electric current है और वो electric current कुछ magnetic effect create कर रहा है ना? तो इससे definition से हमें सिर्फ इतनी बात समझ आ रही है. So, अब हम इसकी पूरी डिटेल पढ़ते हैं कि एक्चुअल में है क्या. देखो, अभी तक जो हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर डिस्कस किया, आई होप सबने वो वीडियोस देखी होंगी, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था वो भी. सो जो हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर डिस्कस किया उसमें हमने देखा था कि हमारा जो चार्ज है, हमारे पास क्यू चार्ज है, वो चार्ज अगर हमारे पास रेस्ट पे है तो हमने ये देखा था कि वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है. सो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टूडेंट्स हमारे पास वहां पे क्या था, स्पेस और रीजन था अराउंड आ चार्ज, वेदर इट इज प्लस चार्ज एंड वेदर इट इज माइनस चार्ज. सो अगर हमारे पास एक चार्ज है, उस चार्ज के अराउंड जो रीजन है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड. अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है स्टूडेंट्स, कि अगर हमारे पास कोई मैग्नेट है, राइट, या फिर हमारे पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर इन द सेंस कि कोई वायर, लेट सपोज उसमें से कुछ करंट फ्लो कर रहा है ना. सो अगर मेरे पास या तो कोई मैग्नेट है या फिर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके अराउंड जो रीजन होगा उसको हम क्या नाम देंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट, राइट. सो मैग्नेटिक इफेक्ट या फिर हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये हमारे पास एक स्पेस या फिर रीजन हो गया किसके अराउंड, अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर और अराउंड अ बार मैग्नेट. कब तक हमें वो फील होता है, जब तक, मतलब अगर उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है तो हमें वो इफेक्ट फील होगा, है ना. सो हमारे पास, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं कि हमारे पास सिंपली मैग्नेटिक फील्ड है क्या, सो मैग्नेटिक फील्ड स्टूडेंट्स हमारे पास क्या हो गया, दैट इट इज अ, I can say that the space or region around a magnet or a current carrying conductor. इन विच इट्स इंफ्लुएंस कैन बी फील, मतलब जहां तक हमें उसका इफेक्ट फील हो, इन विच इट्स इंफ्लुएंस कैन बी फील्ड, इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड. अब स्टूडेंट्स, अब जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं, सो या तो हम स्ट्रेट ड्रॉ कर सकते हैं या कर्व ड्रॉ कर सकते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड को हम डिनोट करते हैं बाय द सिंबल बी एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. सो हम इसके ऊपर साइन दिखा देंगे, क्योंकि अगर हम ऊपर साइन इंडिकेट कर देंगे तो बट ऑब्वियस कि वो हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है. सो मैग्नेटिक फील्ड हो गया दैट इट इज सिंपली अ स्पेस और रीजन अराउंड अ मैग्नेट और अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड. अब इसकी जो हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं वो हम कर्व्ड भी ड्रॉ कर सकते हैं, वो हम स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन. आई विल एक्सप्लेन द कंडीशंस आल्सो. अब उसके बाद सबसे पहले बात की है मैग्नेटिक फील्ड जो है इसकी SI यूनिट क्या है. सो स्टूडेंट्स, इसकी SI यूनिट हमारे पास है टेस्ला, That is capital T. अब ये टेस्ला भी लिख सकते हैं या फिर हम इसको लिखते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर. सो ये हो गया हमारे पास इसकी SI यूनिट. दूसरा है हमारे पास स्टूडेंट्स इसकी CGS यूनिट, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की. सो स्टूडेंट्स, CGS यूनिट हमारे पास इसकी है गॉस, दैट इज कैपिटल G. और इन दोनों में रिलेशन इंपॉर्टेंट है, वन मार्क के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है दैट व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन SI एंड CGS यूनिट ऑफ फोर्स, अ CGS यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. सो बेसिकली 1 टेस्ला इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 4 गॉस.
एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. सो अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है इट मींस कि उसका मैग्नीट्यूड भी होगा और उसकी कुछ डायरेक्शन भी होगी. सो स्टूडेंट्स अभी यहाँ पे मैंने बताया कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है इट कैन बी स्ट्रेट और इट कैन बी कर्व्ड. सो अब देखते हैं कैसे हमारे कर्व्ड कब होंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन. मैग्नेटिक फील्ड लाइन सिंपल मैग्नेट के अराउंड जो रीजन है वो मैग्नेटिक फील्ड. अब हम उसको किस तरीके से किस लाइन से ड्रॉ कर रहे हैं दैट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. सो लेट्स सपोज स्टूडेंट्स कि मेरे पास एक बार मैग्नेट है. सो ये बार मैग्नेट के हमारे पास दो पोल्स होंगे. वन इज नॉर्थ पोल एंड अनदर वन इज साउथ पोल. दो पोल है नॉर्थ एंड साउथ. हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी आउटसाइड द मैग्नेट, ये मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाएगा कि अगर मैं आउटसाइड द मैग्नेट की बात करती हूँ. सो आउटसाइड द मैग्नेट हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो होंगी नॉर्थ टू साउथ. सो आउटसाइड द मैग्नेट हम कैसे ड्रॉ करेंगे, नॉर्थ टू साउथ लाइक दिस. और ये हमारे पास क्लोज लूप्स बनाते हैं. ये हमारे पास क्या बनाएंगे, क्लोज लूप्स लाइक दिस. और ये पैटर्न ऐसे ही कंटिन्यूएशन में चलता रहेगा. यहां से फिर ये एंटर हो रहा है सो इस तरीके से, यहां से एंटर हो रहा है इस तरीके से, ऐसे ही ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहता है. सो अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आउटसाइड द मैग्नेट स्टूडेंट होगी नॉर्थ टू साउथ. अब ये यहाँ पे एंटर कर गई तो यहां से ऐसे अंदर जाएंगी तो इनसाइड द मैग्नेट हमारे पास क्या होंगी, साउथ टू. सो आउटसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नॉर्थ टू साउथ एंड इनसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर साउथ टू नॉर्थ. अब यहां से जो कर्व्ड और स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट था क्लियर हो जाएगा. देखो मैग्नेट एक ही है ना, बार मैग्नेट है. उस बार मैग्नेट के बाहर जो फील्ड लाइंस हैं वो कर्व्ड दिखाई हैं राइट, और इनसाइड हमने उसे क्या दिखाया है, स्ट्रेट दिखाया है. सो अगर कभी भी हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ कर रहे हैं इस फॉर्म में स्ट्रेट, सो दिस इंडिकेट्स दैट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. सो ये क्या इंडिकेट करेगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. इट मींस स्टूडेंट्स कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं मैग्नेट के अंदर वो हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म, और बाहर वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म. अब देखो कैसे पता लगेगा नॉन यूनिफॉर्म. एक एग्जांपल देखो कि हमारे पास एक मैग्नेट है ठीक है, तो मैं एक आयरन नेल को मैग्नेट के बिल्कुल पास लेके आए, सो वो या तो अट्रैक्ट करेगा या वो रिपेल करेगा, बिल्कुल जब पास लेके आए है ना. क्यों, क्योंकि वहां पे उसकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या है, ज्यादा है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा है. अब उसी मैग्नेट से अगर मैं आयरन नेल को बहुत दूर ले जाऊंगी तो जैसे मैं उसको बहुत दूर लेके गई तो हमारे पास क्या हुआ कि उसके वो उसका अट्रैक्शन और रिपल्शन प्रॉपर्टी कम हो जाएगी. मतलब अब वो कम अट्रैक्ट या फिर रिपेल करेगा. क्यों, क्योंकि उसकी इंटेंसिटी कम हो गई. सो इसका मतलब अगर मैं नियर टू द पोल्स बात करती हूँ सो हमारे पास इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी इज मोर, एंड इफ आई एम गोइंग फार्दर फ्रॉम द लाइक मैग्नेट इट्स इंटेंसिटी विल गोइंग टू रिड्यूस. सो उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम. सो अगर एक जगह कम है ज्यादा है इसका मतलब वो हमारे पास क्या हुआ, नॉन यूनिफॉर्म. आई होप ये सबको क्लियर होगा. स्टूडेंट्स आई एम रिपीटिंग इट अगेन, अगर किसी को कोई डाउट है सो मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो. सो हमारे पास इसका फर्स्ट पॉइंट हो गया दैट दे ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप्स, दे ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप्स राइट. अब इसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, एरोस भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर एरो नहीं बनाए तो हमारे पास मार्क्स नहीं मिलेंगे, मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज अगर ये बार मैग्नेट है सो यू कैन राइट द लाइंस पॉइंट फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट एंड इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ. And I'm writing it at outside the magnet, the magnetic field lines
are north to south. Inside the magnet, इसको कंप्लीट लिखना, इनसाइड द मैग्नेट इट्स साउथ टू नॉर्थ एंड यूनिफॉर्म. अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है दैट डेंसिटी ऑफ लाइंस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. इट मींस देखो, इस मैग्नेट के यहाँ पे डेंसिटी हमें ज्यादा दिख रही है, ज्यादा दिख रही है, इसका मतलब वहां पे उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है. इस पॉइंट पे देख लो, दूर जाते जाएंगे तो स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, कम. दैट मीन्स डेंसिटी क्या होती जाएगी, कम. राइट, सो नेक्स्ट इज द डेंसिटी ऑफ लाइंस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. हमारे पास डेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल होगी स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के. अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ये बात हमें पता है. कोई भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करती है. वाई सो, क्योंकि अगर वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गई सो एक पॉइंट पे जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे सो मल्टीपल डायरेक्शन हो जाएंगे. सो दैट इज अगेन नॉट पॉसिबल. सो यू कैन राइट इट डाउन, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ये assertion reason में पूछा जाता है. फोर्थ पॉइंट मैं इसको डिक्टेट कर रही हूँ, assertion reason में पूछा जाता है, या फिर हमारे जो पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन आते हैं वहां पे पूछा जाता है, या वन मार्क के क्वेश्चन में पूछा जाता है दैट वाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कांट इंटरसेक्ट ईच अदर. स्टूडेंट्स जहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है उसको जरूर वहां पे लिख लिया करो, क्योंकि वो क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स में रिपीट होंगे. और कोई टेस्ट है, टेस्ट सीरीज चल रही है, या स्कूल टेस्ट है, कुछ भी एग्जाम है, उसमें क्वेश्चंस आने ही आने हैं. सो राइट इट डाउन, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज देयर विल बी टू डायरेक्शन एट अ सिंगल पॉइंट व्हिच इज नॉट पॉसिबल. Now next is in the region of stronger field lines converge. देखो यहाँ पे stronger field होगा near to the magnet, तो यहाँ पे हमें lines converge होती हुई दिखाई दे रही है, मिलती हुई दिखाई दे रही है. And away from it weaker field. जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं तो field क्या हो रहा है अभी, so lines क्या हो रही है, diverge. So next is in the region of stronger field the lines converge, and in the region of weaker field the lines diverge. So, अगर हमारे पास stronger field की बात है so वहां पे lines मिलती हुई दिखाई देंगी, और अगर हमारे पास कोई weaker field है so वहां पे lines कैसी दिखाई देंगी, दूर जाती हुई, spread होती हुई, diverge होती हुई. So, ये important properties थी हमारे पास magnetic field lines की. इसको जरूर notes बना लेना, screenshots मत लेना. Next topic is right hand thumb rule. Now see what is right hand thumb rule. अब देखो कि right hand thumb rule हमारे पास क्या है, basically ये हमें बता रहा है particular questions में हम इसमें magnetic field lines की direction find out करने के लिए right hand thumb rule use करते हैं. तो देखो अब ये right hand thumb rule हमें कैसे explain करेगा, मतलब कैसे हमें direction बताएगी. सबसे पहले students जल्दी से मेरे साथ साथ अपना right hand को इस form में stretch करो, means thumb and this curl of fingers.
अब स्टूडेंट्स ये जो थंब है ये हमें पॉइंट करेगा करंट की डायरेक्शन में, मीन्स अगर करंट ऊपर जा रहा है सो थंब को ऊपर रख दो। और ये है मेरे पास फिंगर्स कर्ल्स होती हुई लाइक दिस, देखो ये ऐसे सर्कुलर फॉर्म में बन रही है लाइक दिस। सो ये जो हम कर्ल ऑफ फिंगर्स कर रहे हैं ये हमें बताएगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो राइट हैंड थंब रूल को एक्सप्लेन करने के लिए कैसे लिखेंगे, दैट राइट इट डाउन, स्ट्रेच योर राइट हैंड इन विच थंब विल पॉइंट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब हमें करंट की डायरेक्शन बताएगा। एंड जब हम इस फिंगर्स को कर्ल्स करेंगे सो कर्ल ऑफ फिंगर्स विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज योर राइट हैंड थंब रूल, राइट। सो उसके बाद देखो हमारे पास क्या है, अब हम ये राइट हैंड थंब रूल का यूज क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट, ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आता है इस टाइप से, दैट व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। सो हमारे पास देखो राइट हैंड थंब रूल में दो एप्लीकेशंस हैं, एक है लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर और एक सर्कुलर को, दोनों बिल्कुल सेम है, सिर्फ हमें जो डायरेक्शन है वो फाइंड करनी आनी चाहिए किसकी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। सो अब देखो हमारे पास क्या है, हमें बात पता है दैट इट्स डायरेक्शन कैन बी ऑब्टेन बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। सो अगर लेट सपोज स्टूडेंट कि हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन, करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट कैसे फ्लो कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन, अब करंट अपवर्ड है और हम इसमें क्या बनाएंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, क्योंकि जो फील्ड लाइन्स है अभी बताया करंट ऊपर, ये हमारे पास सर्कुलर फॉर्म में बन रही है, और ऐसा तो है नहीं एक बनेगी, करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव कर रहा है मैग्नेट की तरह, क्योंकि वो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है इसलिए हम क्या बनाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। सो हमने क्या बनाई, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, अब ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, फिंगर को कर्ल्स किया सो ये हमें किसकी डायरेक्शन बता रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की। सो करके देखो स्टूडेंट्स ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, सो इसका मतलब जो फील्ड लाइन्स हमारे पास बनी उसकी डायरेक्शन हमारे पास क्या हो गई, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसे हम क्या बोलते हैं, दैट दिस इज द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर एंड दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। सो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में लेट सपोज सब्जेक्टिव में ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, सो उसका डायग्राम बनाओगे, राइट हैंड थंब रूल एक्सप्लेन करोगे और उसमें लिखोगे सिंस करंट इज मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन सो फील्ड लाइन्स विल बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट। अब यहीं से मान लो अगर हमारे पास इस टाइप का पैटर्न आ गया, करंट तो नीचे की तरफ भी फ्लो कर सकता है, राइट, करंट हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी फ्लो कर सकता है, अगेन जो हमारे पास फील्ड लाइन्स होंगी सो फील्ड लाइन्स हमारे पास क्या होंगी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, राइट। अब करंट है नीचे की तरफ, फिंगर को कर्ल्स करो तो देखो ये हमारे पास कौन सी डायरेक्शन आ रही है, क्लॉकवाइज आ रही है, ये फिंगर को कर्ल्स किया सो हमारे पास कैसी डायरेक्शन आ गई, क्लॉकवाइज, सो क्लॉकवाइज, क्लॉक ऐसे मूव करेगी ना, एम आई राइट, सो इट इज क्लॉकवाइज। सो ये हमारे पास देखो बहुत सिंपल था, सिर्फ राइट हैंड थंब रूल हमें आना चाहिए कि हम उसको अप्लाई किस फॉर्म में कर सकते हैं, राइट। अब उसके बाद है स्टूडेंट्स हमारे पास कि अगर यहीं पे हमारे पास सर्कुलर कॉइल हो, सर्कुलर कॉइल हो तब भी हम
मैग्नेटिक फील्ड जो कैलकुलेट करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, वो राइट हैंड थंब रूल से करेंगे. सो नेक्स्ट है मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट. अब देखो हमारे पास सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट में, उसको पहले डायग्राम प्लॉट कर देती हूँ कि हमारे पास ये बेसिकली एक कार्डबोर्ड टाइप है. बैटरी से इसे कनेक्ट कर दिया. अब मुझे बात पता है जैसे ही मैंने इसे बैटरी से कनेक्ट किया, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, यहाँ से मेरे पास कुछ करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा. राइट, यहाँ पे मेरे पास अब क्या है, दो सर्कुलर वायर्स टाइप है इधर और एक ये इधर. अब लेट सपोज स्टूडेंट मेरे पास जो करंट फ्लो कर रहा है वो कॉइल वन से कॉइल टू कर रहा है. हमें डायग्राम में कोई भी कुछ भी दिया हो सकता है. सो लेट सपोज हमारे पास जो करंट फ्लो कर रहा है वो कॉइल वन से कॉइल टू कर रहा है. देखो ना ऐसे कर रहा है. सो अब देखो कॉइल वन को देखो स्टूडेंट्स जल्दी से पहले. तो जब मैं कॉइल वन को देखूंगी, सो कॉइल वन में करंट ऊपर की तरफ है. अगर करंट ऊपर है सो इसका मतलब हम कैसे पता लग रहा है ऊपर, क्योंकि ये यहां से यहां जा रहा है वन से टू. सो वन से टू ऐसे जाएगा, देखो वन से ऐसे टू, ये वन से गया और ये टू में चला गया. राइट हैंड स्ट्रेच करना है, कीप रिमाइंड. ओके, सो वन से करंट ऐसे गया. सो अगर करंट ऐसे गया, फिंगर को कर्ल्स किया, सो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई. सो ये हो गई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. फिर कॉइल टू में वो एंटर कर गया. जब वो कॉइल टू में एंटर कर गया और कर्ल किया फिंगर्स को, सो हमारे पास कौन सी डायरेक्शन आ गई, वो कॉइल टू में एंटर किया, ये हमारे पास कौन सी डायरेक्शन आ रही है क्लॉकवाइज. सो ये हमारे पास कौन सी डायरेक्शन आ गई कॉइल टू में क्लॉकवाइज. सो अब यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में दोनों, मतलब ऊपर वाला भी और नीचे वाला कॉन्सेप्ट दोनों अप्लाई हो रहे हैं. वहां पे स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में सिंगल सिंगल अप्लाई हो रहे थे. तो अगर बोर्ड एग्जाम्स में इसको अटेम्प्ट करने के लिए आता है, सो इसको पूरा डिस्क्राइब करोगे कि कैसे हमारे पास आया. मतलब सबसे पहले राइट हैंड थंब रूल बन एक्सप्लेन करो, उसका डायग्राम प्लॉट करो और फिर एक लाइन में वाइंड अप कर सकते हो दैट इन कॉइल वन करंट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, सो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. एंड इन कॉइल टू करंट इज एंटरिंग, सो इट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. राइट, आई होप ये सबको क्लियर होगा. बहुत इजी चैप्टर है, इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन तुम्हारे से बोर्ड एग्जाम्स में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा. और बहुत अच्छी बात यह है कि इसके बहुत सारे टॉपिक, मोटर जनरेटर जो लास्ट के टॉपिक्स हैं, वो हमारे सिलेबस से डिडक्ट हो चुके हैं. तो इसमें सिर्फ गिने चुने 4-5 टॉपिक्स हैं जो हमें करने हैं. सो इट्स अ वेरी स्कोरिंग चैप्टर. सो नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग सोलेनॉइड. अब देखो सबसे पहले देखो हमारे पास सोलेनॉइड है क्या, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. देखो सोलेनॉइड हमारे पास क्या है, सोलेनॉइड सिंपली एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल कॉइल है. अगर उस सिलेंड्रिकल कॉइल पे अगर मैं बहुत सारे कॉपर टर्न्स को फोल्ड कर देती हूँ, सो मेरे पास जो फाइनल मटेरियल है दैट इज सोलेनॉइड. सो राइट डाउन द डेफिनेशन दैट इट इज अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल कॉइल कंटेनिंग अ लार्ज नंबर ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर. देखो इस तरीके से ये मेरे पास एक सिलेंड्रिकल कॉइल है,
इस सिलेंड्रिकल कॉइल पे अगर मैंने ये कॉपर वायर को इस तरीके से फोल्ड कर दिया, सो ये जो फाइनल प्रोडक्ट है दैट इज नोन एज सोलेनॉइड। अब स्टूडेंट्स, ये जो सोलेनॉइड है ये हमारे पास बिहेव करता है बार मैग्नेट की तरह। सो जो प्रॉपर्टीज बार मैग्नेट की है वही प्रॉपर्टीज आपकी सोलेनॉइड की हो जाएंगी। सो नेक्स्ट पॉइंट, राइट इट डाउन दैट सोलेनॉइड बिहेव्स एज अ बार मैग्नेट। सो स्टूडेंट्स, अगर ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, सो एक तो हमारे पास इसका नॉर्थ पोल होगा और दूसरा हमारे पास इसका साउथ पोल होगा। सो हमें बात पता है कि आउटसाइड द मैग्नेट डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस इज नॉर्थ टू साउथ, राइट? एंड इनसाइड द मैग्नेट, कि मैग्नेट के इनसाइड डायरेक्शन क्या होगी, साउथ टू नॉर्थ, और इनसाइड जो उसकी डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, यूनिफॉर्म। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं। मान लो यहाँ पे हमें दो तीन पॉइंट्स दे दिए, ये ए दे दिया, ये बी दे दिया, सी दे दिया। एग्जाम में ये पूछ लिया दैट लेट सपोज मैग्नेटिक फील्ड एट ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी। सेकेंड पॉइंट दे दिया मैग्नेटिक फील्ड एट ए इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड एट बी बट नॉट इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड एट सी। मैग्नेटिक फील्ड एट ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी। फोर्थ पॉइंट दे दिया दैट इट इज लेस। सो बहुत सिंपल है, तीन पॉइंट दे दिए इनसाइड। सो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, यूनिफॉर्म होती हैं। यूनिफॉर्म होती है तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ए पे है बी पे है उतनी ही सी पे होंगी। सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। दो पॉइंट डेफिनेशन ध्यान रखनी है दैट इट इज अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल कॉइल हैविंग लार्ज नंबर ऑफ कॉपर टर्न्स इंसुलेटेड कॉपर टर्न्स ओवर इट। सेकेंड इट बिहेव्स एज अ बार मैग्नेट। अब एक क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है बहुत इंपॉर्टेंट दैट किन किन फैक्टर्स पे सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड कर रहा है। सो क्वेश्चन इज फैक्टर्स ऑन विच मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड डिपेंड्स, कि वो किस किस फैक्टर पे हमारे पास डिपेंड कर रहा है। अब मैग्नेटिक फील्ड जो सोलेनॉइड के केस में है वो हमारे पास डिपेंड करता है दो फैक्टर्स पे। फैक्टर्स फॉर्म, देखो मैं तुम्हें एक फॉर्मूला बता रही हूँ, उस फॉर्मूले पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स एग्जाम में नहीं आएंगे, बट मैं इसीलिए बता रही हूँ कि अगर पर्टिकुलर फॉर्मूला याद कर लोगे सो उससे रिलेटेड क्या होगा कि एग्जाम में थ्योरी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको डायरेक्टली लिख सकते हो। फॉर्मूला क्या है, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। अब यहाँ पे हमारे पास किन किन फैक्टर पर देखो डिपेंड किया, ये तो हमारे पास कांस्टेंट है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। सो ये हमारे पास किस पे डिपेंड कर रहा है, फर्स्ट फैक्टर है इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉपर वायर, राइट? सो फर्स्ट फैक्टर हो गया दैट इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ टर्न। सो एन हमारे पास सिंपली क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। N will be equals to capital N by N. So number of turns per unit length. So हमारे पास ये किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, that it depends on the number of turns. Means अगर number of turns बढ़ जाएंगे वायर के, तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। So B is directly proportional to N. और अगर मैं इस B और N का ग्राफ प्लॉट करती हूँ So, वो मेरे पास क्या आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन, राइट? और सेकंड फैक्टर है मेरे पास देखो यहां से करंट, दैट इट डिपेंड ऑन द करंट। सो इट डिपेंड्स ऑन द करंट फ्लोइंग थ्रू वायर। कंप्लीट लिखना है, डिपेंड्स ऑन द करंट फ्लोइंग थ्रू वायर। सो हियर बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अब ये B और I का ग्राफ प्लॉट किया, सो अगेन ये कैसा बन गया, स्ट्रेट लाइन। याद रखना है प्रोपोर्शनैलिटी के दोनों साइड सेम पावर होती है, सो ग्राफ कैसा बनता है स्टूडेंट, स्ट्रेट लाइन।
सो हमारे पास मैक्सिमम टॉपिक्स जो बोर्ड्स में आने वाले हैं वो कवर हो गए हैं. सिर्फ दो टॉपिक्स बचे हैं, दैट इज फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, और हम उसके बारे में डिटेल, इलेक्ट्रोमैग्नेट और कुछ छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं, ओवरलोडिंग, शॉर्ट सर्किटिंग, दैट वी विल कवर इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, बाय.